गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, प्रणाम। स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4, पार्ट 3, मटेरियल मेटल एंड नॉन मेटल। हमने पार्ट 2 के अंदर मेटल रिएक्ट विद द एसिड एंड द मेटल रिएक्ट विद द बेस एंड मेटल रिएक्ट विद द मेटल ऑक्साइड, जो सारा का सारा हमने पढ़ा था, जिसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो हमारा यहाँ से बाकी था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके चैप्टर नंबर वन स्टैंडर्ड 10 के अंदर भी आता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? रिकॉल द एक्टिविटीज़ द रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड द आयरन। इसमें क्या होता है कि इस एक्टिविटीज़ के अंदर जो कॉपर सल्फेट है वो आयरन के साथ में, मतलब कि कहीं ना कहीं आयरन के साथ में रिएक्शन करता है। एंड लेट अस ऑब्जर्व द मोर रिएक्शन दैट काइंड। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्टिविटीज़ के अंदर एक 500 ml बीकर, 100 ml बीकर लेना है एंड लेबल ABCD, मतलब 5 बीकर लेने, सबको लेबल कर देने का ABCDE। टेक अमाउंट द 15 ml, मतलब कि लीटर्स जो होता है वो वाटर्स लेना है हर एक बीकर के अंदर एंड डिजोल्व इन बीकर इन अ टेबल स्पून ऑफ द सब्सटेंस इन ए इंडिकेटेड। अब हमें सब्सटेंस देना है जैसे इंडिकेट्स किया गया है। तो फर्स्ट के अंदर हमने क्या डाला? ए के अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स, सेकंड के अंदर हमने आयरन नेल्स, थर्ड के अंदर हमें कॉपर टर्निंग डाला है, फोर के अंदर भी कॉपर टर्निंग है एंड ई के अंदर, जो ई हमारा है उसके अंदर भी आयरन नील है। अब देखो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो बीकर ए में है, जो आपके ए और बी आपको बताया गया है, तो बीकर ए एंड बी, देखो ए और बी के अंदर देखना कि बीकर ए के अंदर कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रेन्यूल, जिंक के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स, वो मिक्सअप किए गए हैं। तो क्या बनेगा? CuSO4 में से Cu डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। Cu क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और वहाँ पर क्या बनेगा? ZnSO4। क्या बनेगा? ZnSO4 कि जहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे CuSO4 है, CuSO4 है, अब यहाँ पर प्लस जिंक है, अब यहाँ से क्या होगा? जिंक, यहाँ पर क्या हुआ? जिंक, जिंक आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया और आपको क्या मिला? कॉपर। क्या मिला? कॉपर। इस तरह से पूरा का पूरा, मतलब कि आपको यहाँ पर पता चला कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब दूसरा के जैसे ये, इसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि आपका CuSO4 है बराबर, तो उसमें से Cu का क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया और उसकी जगह पर क्या आ गया? जिंक, तो ZnSO4 बन गया और इस तरह से आपका क्या हुआ? ZnSO4 प्लस Cu आपको मिला। इसी तरह कॉपर सल्फेट के अंदर भी यही होता है कि कॉपर सल्फेट में मैंने जैसे जिंक के बताया, वैसे ही क्या होगा कि वहाँ पर फेरिक सल्फेट बनेगा, फिर जिंक का भी इसी तरह है, जिंक सल्फेट के अंदर डाला तो CuSO4 बनेगा और जिंक वहाँ पर अलग हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। फिर FeSO4 आयरन सल्फेट है तो आयरन सल्फेट में क्या होगा? फिर वो CuSO4 के साथ में रिएक्शन करेगा और Fe यहाँ पर क्या होगा? रिलीज होगा, अलग ही हो जाएगा। ZnSO4 बीकर ई में भी इसी तरह होगा कि FeSO4 कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा और जिंक सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, यहाँ पर आपका जो, आपकी जो चीज़ें दी गई हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कि जो चीज़ें दी गई है वो वहाँ पर क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। समझ में आया आप सबको? ओके। व्हाट डू यू चेंज ऑब्जर्व इन दिस वेरियस पिक्चर? यू हैव रीड दैट इज द वन मेटल डिस्प्लेस एंड अनदर मेटल, एक मेटल दूसरे में क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया एंड कंपाउंड द एक्वियस सॉल्यूशन इन बीकर ए। क्या रिप्लेस हुआ? कॉपर
फ्रॉम द कॉपर सल्फेट में होगा और जिंक क्या होगा, जिंक अलग ही हो जाएगा। दैट इज़ द ब्लू कलर ऑफ अ कॉपर सल्फेट। कैसा कलर आया, ब्लू कलर आया। कैसा आया, ब्लू कलर आया कॉपर का, दिखा आपको। ओके, अब इसी तरह हमने हमने देखा कि कॉपर सल्फेट बना कॉपर सल्फेट, फिर जिंक सल्फेट में भी ऐसा है। जिंक सल्फेट कैसा होता है, कलरलेस होता है, और कॉपर कैसा होता है, रेड होता है। यू कैन रीड डाउन द बी रिएक्शन। बी रिएक्शन भी इसी तरह हम रीड डाउन कर सकते हैं, सी का भी कर सकते हैं, टी का भी कर सकते हैं, और ई का भी कर सकते हैं। सिमिलर द आयरन डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर बिकर डी एंड सी डू नॉट हैव सी एनी चेंज इन बिकर सी, दैट इज द कॉपर इज नॉट रिप्लेस इन अ जिंक फ्रॉम द जिंक सल्फेट। मतलब कि जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो वहाँ पर आपको कलरलेस दिखेगा। ओके, यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के यूजेस बताओ। यू शुड बी एबल टू द गैसेज द मेटल आर यूज मेकिंग द मनी मशीनरी। मशीनरी बनाने में के यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल बनाने के अंदर यूज़ होता है, एरोप्लेन बनाने के अंदर, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल, वाटर बॉयलर्स, बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होता है। यू आर ऑल्सो फेमिलियर यूज द सम नॉन मेटल्स भी इंटरेस्टिंग होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बना। नॉन मेटल एसेंशियल फॉर अवर लाइफ। ऑल द लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, ऑक्सीजन को ब्रीथिंग करते हैं। नॉन मेटल यूज इन अ फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ होता है, ग्रोथ ऑफ द प्लांट के अंदर यूज़ होता है, नाइट्रोजन का जैसे यूज़ होता है। नॉन मेटल यूज़ वाटर प्योरिफिकेशन के अंदर भी यूज़ होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल यूज़ इन अ पर्पल कलर सॉल्यूशन अप्लाई द वाउंड एंड आयोडीन जैसे एंटीसेप्टिक पे ऊपर लगाया जाता है। नॉन मेटल यूज़ किया जाता है क्रैकर्स बनाने में। एंड यू मेड द सम यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इस तरह से आपका यहाँ पर चैप्टर्स जो मेटल एंड नॉन मेटल है वो आपका कंप्लीट होता है। तो भी अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो आपको समझना है, मेटल एंड नॉन मेटल समझना है पूरे चैप्टर्स के अंदर, इसके यूजेस, इसके प्रॉपर्टीज़, ये सारे की सारी चीज़ें जो मेन इम्पोर्टेंस है कि मेटल्स की सब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज़ आते हैं, उसके यूजेस आते हैं, उसके केमिकल रिएक्शन, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और वही मेन क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। थैंक